जो गलती आपने पहले मैच के अंदर की थी उस गलती को दूसरे मैच में मत करना, गलती से भी इस खिलाड़ी को ड्रॉप मत करना। भाई किस खिलाड़ी की बात हो रही है यहाँ पर और किसने ये सारी बयानबाजी की है? भाई ये खिलाड़ी की बात हो रही है मोहम्मद शमी की। मोहम्मद शमी को भाई पहले मैच के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ ड्रॉप किया गया था और दूसरे मुकाबले के अंदर मौका दिया था और अब तीसरा मुकाबला आ गया भाई इंडिया पाकिस्तान, बड़ा मुकाबला, बड़ा स्टेज। और अगर आपने यहाँ पर अच्छा किया तब जाके आप आगे जाने वाली स्थिति के अंदर होंगे। अगर आप यहाँ पर हार गए तो आपके लिए वही बात हो जाएगी, डू एंड डाई, करो या मरो। वहाँ पर हार गए तो भाई सब खराब, फिर उसके बाद दूसरी टीम के नेट रन रेट के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे अगर आप जीत भी जाते हैं तो। तो भाई बहुत बड़ा मुकाबला है इंडिया पाकिस्तान का ये वाला, जो सुपर फोर के अंदर मुकाबला होने वाला है। भाई इससे पहले मोहम्मद शमी के लिए हरभजन सिंह, जो कि टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर है, टर्बिनेटर है, भाई उन्होंने अपनी टिप्पणी पेश की है कि आपको मोहम्मद शमी को ड्रॉप करना ही नहीं था, आपको मोहम्मद शमी को सिराज से भी पहले खिलाना चाहिए था। यानी कि भाई लीडर ऑफ द पैक जिसको आप समझ रहे हो मोहम्मद सिराज, उसको सबसे पहले आपको खिलाना चाहिए था मोहम्मद शमी को, सेकेंड गेंदबाज आपके मोहम्मद सिराज है। तो भाई ऐसा कहना है टर्बिनेटर सिंह यानी कि हरभजन सिंह का। क्यों कहा है भाई उन्होंने ऐसा? उन्होंने बोला है कि जो काम आपका मोहम्मद सिराज करके देते हैं क्या वो शमी नहीं करके सकते गेंदबाजी के अंदर? जो काम आपके लिए शार्दुल ठाकुर कर रहे हैं क्या वो मोहम्मद सिराज करके दे सकते हैं? तो भाई यहाँ पर टीम इंडिया ने पहले मैच के अंदर बल्लेबाजी को एक्सट्रैक्टर समझते हुए एक्स्ट्रा बल्लेबाज खिलाया था शार्दुल ठाकुर के रूप में, लेकिन वो बल्ले से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया। उसके बाद से एक बार फिर से शार्दुल ठाकुर के सिलेक्शन के ऊपर सवाल उठने लगे कि क्या भाई शार्दुल ठाकुर को सिलेक्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? जिस तरीके से पहले मैच के अंदर जितनी गेंद स्विंग हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा गेंद स्विंग हो रही थी और भाई पाकिस्तान के पास प्रॉपर तेज़ गेंदबाज यूनिट था, प्रॉपर भाई झुंड था, एक से बढ़कर एक तेज़ गेंदबाज थे और भारतीय टीम ने भाई एक आप कह सकते हैं ठीक ठाक गेंदबाज और ठीक ठाक बैटर शार्दुल ठाकुर को मौका दिया था। इसके बाद से भाई फैंस के अंदर भी मन में सवाल था कि शमी को क्यों ड्रॉप किया जब आपके पास ऐसी इतनी अच्छी कंडीशंस थी गेंदबाजी करने के लिए। तो भाई यहाँ पर इसी चीज़ के ऊपर बात करते हुए टर्बिनेटर सिंह यानी कि हरभजन सिंह ने कहा है कि यहाँ पर आपको मौका देना चाहिए था मोहम्मद शमी को एज अ फर्स्ट बॉलर और यहाँ पर आप प्रॉपर आपको बैटिंग के ऊपर आपको प्रॉपर एक गेंदबाजी खिलानी चाहिए जो आपको 260 भी डिफेंड करके दे सके। अगर आपके बोर्ड बल्लेबाजों ने बोर्ड के ऊपर 260 लगा दिए तो आपके गेंदबाजों का हमें उस 260 रनों के टारगेट को डिफेंड करें, यानी कि अगर आपको प्रॉपर गेंदबाजी खिलाइए या फिर प्रॉपर बल्लेबाजी करवाइए, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारे पास बल्लेबाजी जो है वो महज 7 नंबर तक है, उसके पास हमारे पास बल्लेबाजी नहीं है। अगर आप प्रॉपर गेंदबाजी खिलाते हैं 7 नंबर के बाद तो आपके पास भाई ज़्यादा चांस होगा आप कोई लो टोटल भी डिफेंड कर पाओ। और आपने पिछला जो आपका इतिहास रहा है वहाँ पर आप 10-10 विकेट से हारे हैं और वहाँ पर आपके पास गेंदबाज नहीं थे, तो यहाँ पर आपके पास मौका है तो भाई आप प्रॉपर गेंदबाजी खिलाएं, शार्दुल ठाकुर को बाहर बिठाएं और मोहम्मद शमी को प्लेइंग 11 के अंदर मौका। फिलहाल इस वीडियो में